हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। हरियाणा के भाइयों बहनों मित्रों, हम लोग आज 22 अप्रैल का दिन है। मालूम है कि आज का ये दिन पृथ्वी दिवस अर्थ डे ये पूरी दुनिया में मनाते हैं और हम लोग पृथ्वी को अपनी मां मानते हैं। ये हमारी भारत माता है और इतिहास कई बार ऐसा आता है कि बहुत सी ऐसी समस्याएं जब आती हैं तो लगता है कि बड़ी समस्या अपनी भारत माता पर आती है। ऐसे अवसरों पर स्वाभाविक है कि हम मां पुत्र होने के नाते इसकी चिंता करते हैं कि उस समस्या का समाधान कैसे हो। आज हम देखते हैं कि कोरोना जैसी बीमारी ये महामारी के रूप में पूरे विश्व में ये आई है। इस पृथ्वी के नाते से हम कह सकते हैं कि बड़ा संकट ये आया है। कोई देश विश्व का इससे अछूता नहीं है, हम भारतवर्ष के लोग भी अछूते नहीं हैं। अपने प्रदेश में भी इसकी रोकथाम के लिए लगातार हम कार्य कर रहे हैं। ऐसी महामारी को दूर करने के लिए लगातार प्रदेश का हर नागरिक ये जूझ रहा है और इस काम को हम लोग ठीक करने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगाए हुए हैं। ये कोरोना की बीमारी शुरू हुई प्रदेश के अंदर 4 मार्च को जानकारी मिली, जब इटली के कुछ नागरिक कोरोना की पीड़ित होकर के और गुरुग्राम के मेदांता हॉस्पिटल में भर्ती हुए। हमने उसके बाद लगातार प्रयत्न शुरू किए, प्रयत्नों में कोई कमी छोड़ी नहीं। प्रधानमंत्री जी ने इस देश में लोगों को जागरूक करने के लिए कई बार आह्वान किया और उन आह्वान के हिसाब से जो निर्देश वहां से आए उसको हमने पूरा किया। आज प्रदेश की स्थिति ऐसी है कि हमारे यहां देश से हालात अच्छे हैं, जहां सारे देश भर में 19,984 व्यक्ति कोरोना से संक्रमित हैं, वहां अपने प्रदेश में यह आंकड़ा मात्र 260 का है। देश भर में 640 व्यक्तियों की इस बीमारी से मृत्यु हो गई है। हमारा प्रदेश संतुष्टि ही इस बात को मैं कह सकता हूं कि 3 लोगों तक ये सीमा एक प्रकार से सीमित रह गया है कि 3 ही लोगों की मृत्यु हुई है। काफी लोग ठीक भी हो गए। अपने प्रदेश के अंदर 153 व्यक्ति ठीक हो गए हैं और जो क्वारंटाइन की अवधि पूरा करके और अपने अपने घरों को जाने के लिए तैयार हैं। हमारी जो प्रगति है इसके आंकड़े यदि हम ध्यान करेंगे तो हरियाणा में जो टेस्ट हो रहे हैं 10 लाख के प्रति हमारे टेस्ट 511 लोगों के हुए हैं, जो आज तक का आंकड़ा है, जबकि देशभर में यह आंकड़ा 289 मात्र का है। इसी प्रकार संक्रमित लोगों की जो संख्या है वो देश में हर 7 दिन के बाद डबल हो जाती है, हमारे यहां 14 दिन के बाद डबल हो रही है। अर्थात इस संख्या के बढ़ोतरी में हम लोगों के इस प्रदेश में एक सुधार है। संक्रमित लोगों के ठीक होने की दर पूरे देश में भले 18% है, हमारे यहां ये 58% है, तो ये प्रगति भी अच्छी है। हमारे 22 में से 3 जिले ऐसे हैं जहां एक भी व्यक्ति संक्रमित नहीं हुआ, 13 जिले ऐसे हैं जहां 10 से कम लोग जो संक्रमित हुए हैं, मात्र 6 जिले ऐसे हैं जहां यह संख्या 10 से ऊपर बढ़ी है। उनमें भी 2 जिले ऐसे हैं जहां ठीक होने के बाद हम एक कंफर्टेबल स्थिति में पहुंच गए हैं। इस प्रकार हरियाणा में टेस्टिंग दर भी अच्छी है, संक्रमण का फैलाव भी कम है, ठीक होने वाले मरीजों की संख्या भी ज्यादा है और जैसा मैंने बताया कि देहांत होने वाले लोगों की संख्या भी बहुत कम है, 1.15% ही मात्र ये है। तो हम इन आंकड़ों को देख करके ऐसी आशा करते हैं और आशा करते हैं कि बहुत जल्दी हरियाणा इस महामारी में से बाहर निकलेगा। फिर भी हमको सावधानी बरतने की आवश्यकता है, बहुत ही प्रयास करने की आवश्यकता है कि हम इस बीमारी में से बाहर निकलें। पूरे विश्व में भारत की स्थिति अच्छी है, विश्व के बड़े बड़े देश तो
बहुत बड़ी संख्या में प्रभावित हो गए हैं। हमारा भारतवर्ष उसमें काफी अच्छा है और वहीं पर अपना प्रदेश हरियाणा भारत में अच्छा है, तो इस नाते से हम स्थिति में अच्छे लग रहे हैं। ऐसे अवसरों पर कभी कभी कुछ विशेष कार्यक्रम प्रावधान, ऐसे प्रोजेक्ट भी होते हैं जिस पर ज्यादा ध्यान देना होता है। हमारे यहां भी जैसा अभी किसानों के नाते से अगर मैं विचार करूं तो किसान की फसल, उसकी कटाई और उसकी बिक्री मंडियों के अंदर प्रोक्योरमेंट जो हो रही है, एक बहुत बड़ा विषय ये हमारे सामने आया है। जहां हम पिछले वर्षों में इन मंडियों की संख्या लगभग 400 सवा 400 ही रहती थी, इस बार हमने उसको, क्योंकि लॉकडाउन का ये समय है और हमने सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान रखना है, मंडियों में भीड़ ना हो, वहां पर हमारे आड़ती भाई भी होते हैं, किसान बंधु होते हैं, मजदूर लोग होते हैं, हमारे डिपार्टमेंट्स के जो लोग प्रोक्योरमेंट करते हैं वो सब भी होते हैं, तो एक भीड़ वाला एक स्थान बनता है। सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए इन मंडियों की संख्या में हमने बढ़ोतरी की, लगभग 5 गुना ये संख्या हमारी है। 400 की बजाय इस बार 1800 से 2000 तक ये संख्या मंडियों की, चाहे वो सरसों की खरीद है चाहे वो गेहूं की खरीद है, इसके लिए हमने उसको तैयार किया है। इसके अंदर भी हमको एक सफलता मिली है कि हम लोग अन्य प्रदेशों की तुलना में हमारे यहाँ जो मंडियों के अंदर गेहूं की आवक है या इससे पहले सरसों की आवक है उसे ज्यादा आवक हमारे यहाँ हो रही है। जहां 2 दिन के बाद अगर पंजाब प्रदेश की बात करता हूं तो वहां मात्र 50,00,000 मीट्रिक टन गेहूं इसकी खरीदी हुई, जबकि हम लोगों ने पिछले 2 दिन के अंदर 40,000 किसान 4 लाख मीट्रिक टन से भी ऊपर ये आवक हो चुकी है। आज तीसरा दिन है, तो इसलिए हमारी जो आवक है मंडियों में व्यवस्थाएं बाकी सब प्रदेशों से अच्छी है। इसी अवधि में अगर मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं तो मात्र 98,000 मीट्रिक टन और राजस्थान में 42,000 मीट्रिक टन 2 दिनों के शुरुआत में ये फसल आई थी। तो इस नाते से अपने प्रदेश के अंदर गेहूं की फसल भी अच्छी है और हमारे जो सिस्टम है वो भी बहुत ठीक है। हमारी जो आड़त है, आड़ती बहुत सहयोग कर रहे हैं उन सब किसानों की फसल लेने के लिए, फिर भी कहीं ना कहीं छोटी बड़ी जो बातें हैं उनको ठीक करने के लिए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। किसानों को मैं विश्वास दिलाता हूं कि कोई भी कठिनाई होगी उस कठिनाई को हम दूर करेंगे, हल करेंगे और किसानों की जो फसल है एक एक दाना हम उनका खरीदेंगे। इसके लिए जो हमने किसानों के केंद्र बनाए हैं उन सब केंद्रों में अभी सैनिटाइजेशन की व्यवस्था, मास्क का प्रबंध, थर्मल स्कैनिंग आदि ये सब प्रबंध किए गए हैं ताकि वहां कोरोना जो है वो न फैले। इस प्रकार गेहूं की खरीद सुचारू रूप से चले इसके लिए समय समय पर हम उनको निरंतर निर्देश दे रहे हैं। हमें पता है किसान और आड़ती इनका एक संबंध है और ये संबंध किसान आड़ती का ऐसा है नहीं, बल्कि सरकार के साथ भी लगातार आड़तियों से हम बातचीत करते रहे हैं कि सरकार और किसान का ये संबंध भी बहुत अच्छा रहा है। छुट्टी जो व्यवधान आया है वो आया है कि हम किसानों को किस प्रकार से बैंकिंग सिस्टम के माध्यम से ये जो पैसा है ये पहुंचाएं, क्योंकि किसान के पैसे को यदि हम कहीं बीच में रोकते हैं तो ये किसान के प्रति भी अन्याय होगा। हमने किसानों को डायरेक्ट पेमेंट देने की बात की, हमारे आड़ती बंधुओं ने कहा कि नहीं, ये आड़तियों के माध्यम से होनी चाहिए। हमने वो बात मान ली है और उसके बाद इस सिस्टम में जितना पैसा किसान का है वो किसान का पैसा उनसे लिखवा करके वो रोक लें और बाकी पेमेंट उनको किसानों को अपने बैंक के सिस्टम से कर दें। इसमें मुझे लगता है कहीं किसी को कोई कठिनाई नहीं आनी चाहिए, क्योंकि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का जो सिस्टम है ये सीधे किसानों के खाते में अगर पैसा जाता है तो उनकी राशि ये उनके काम में आ सकती है और किसान अपने उपयोगिता के लिए इस सब का उपयोग करेंगे। फिर भी जो छोटी मोटी जो आपसी बातचीत बैठ करके हम उसको हल कर रहे हैं, हमारे मार्केटिंग बोर्ड के सब लोग, सेक्रेटरीज और यहाँ डिपार्टमेंट सब इस पर ध्यान रखे हुए हैं। आड़तियों से निरंतर बातचीत भी चल रही है और उस बातचीत के माध्यम से मैं इस समय यही कहूंगा कि कोरोना का ही अवसर है और इस कोरोना के अवसर पर किसी भी प्रकार की छोटी बड़ी बात को लेकर विवाद यदि खड़ा करते हैं तो उचित नहीं होगा, क्योंकि किसान की फसल खरीदना ये हमारी प्रायोरिटी है और इस प्रायोरिटी में अगर किसी प्रकार का कोई अवरोध आता है तो उस अवरोध को दूर करने के लिए हमको
और लोगों की सहायता, एजेंसीज की सहायता ये लेनी पड़ेगी, हमें गांव के सरपंच की उनकी सहायता ये लेनी पड़ेगी, हमको अस्थाई लाइसेंस ये भी देने की आवश्यकता पड़ सकती है। तो इन खरीद केंद्रों पर जहां कहीं गिनी चुनी मंडियों में अवरोध आ रहा है उसमें खरीद केंद्र सुचारू रूप से चले इसकी व्यवस्था हम निश्चित रूप से करेंगे। इसलिए मैं सभी आढ़ती बंधुओं से ये निवेदन करता हूं कि इसके लिए वो आगे आए और किसानों को सहयोग करें, मंडी में आढ़ती के तौर पर अपनी भूमिका वो निभाएं, क्योंकि एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट में जैसे 16,000 करोड़ रुपया लगभग ये किसानों को गेहूं की आवक का ये जाने वाला है, और यदि मैं उनकी आढ़त का हिसाब करता हूं तो लगभग 400 करोड़ रुपए की आढ़त ये भी आढ़तियों को मिलने वाली है। और इतनी बड़ी राशि आढ़ती को समाज को मिलती है तो उनके उनका एक प्रकार से व्यवसाय उनका उसमें काम चलता है, और ये जो सारी राशि है इसलिए हम देते हैं ताकि किसान को कोई असुविधा ना हो और प्रोक्योरमेंट जो है वो डिपार्टमेंट के माध्यम से ठीक रूप से हो जाए, ऐसा मैं उनसे अपील करूंगा। अब जहां तक विषय है कि जैसे कोरोना को लड़ाई लड़ने वाले हमारे कोरोना वॉरियर्स हैं, जिसमें डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, पैरामेडिक्स हैं, इसी प्रकार चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी हैं, इन सब लोगों के लिए जो भी कोविड के डायरेक्ट संपर्क में आते हैं उन लोगों के लिए हमने बहुत सी सुविधाओं की घोषणा की। लेकिन वहीं ध्यान में आ रहा है कि इस प्रकार के समय में जब कोरोना बहुत सावधानी पूर्वक उस पर काम करने की आवश्यकता है, प्रोक्योरमेंट में बहुत से लोग मंडियों के अंदर ये काम कर रहे हैं, और मंडियों में जब काम कर रहे हैं तो आखिर उनकी भी जीवन को एक रिस्क हो सकता है, तो ऐसे समय में उनके लिए जब ध्यान किया गया तो मैं ये कहूंगा कि वो भी हमारे कोरोना वॉरियर्स नंबर 2 हैं। तो इस कोरोना वॉरियर्स के नाते से भी उनके भी ध्यान रखने के लिए यदि कोई हानि होती है, मानो किसी मजदूर को होती है, किसान को होती है, अगर उसका कोई दुर्घटना में कोई ऐसा कारण बनता है कि परिवार की सहायता के लिए मजदूर है, किसान है, इवन आड़ती भी है, या हमारे जो कर्मचारी हैं आउटसोर्सिंग के कर्मचारी हैं, सभी एजेंसीज के साथ जुड़े हुए लोग हैं, ऐसे सब लोगों के लिए भी हमने विचार किया है कि आगामी 30 जून तक जब तक ये प्रोक्योरमेंट चलती है, कोरोना की प्रकोप जैसे चलता है उस समय तक इनको भी 10 लाख रुपए की जो हमने मेडिकल कवरेज एक प्रकार का लाइफ इंश्योरेंस का ये पार्ट होगा वो उनको हरियाणा सरकार अपनी ओर से देगी, इसकी मैं घोषणा करता हूं। जो किसान जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, ऐसे बंधुओं को जो कठिनाई आ रही है, ये सब लोग भी अपना रजिस्ट्रेशन गेट पास कटवाते समय वहां जाकर के करवा सकते हैं, और जो रजिस्टर्ड किसान है वो किसान अपनी फसल को अपनी बारी पर मंडी में लेकर के आ सकता है। इनके लिए रजिस्ट्रेशन इसकी शुरुआत 19 तारीख से हमने करवा दी थी। जहां कहीं कोई कठिनाई किसी सेंटर पर आती है वो लोग मार्केटिंग कमेटी के ऑफिस में सेक्टरी के पास जाकर के भी अपनी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, ये सुविधा उनको दी गई है। आज का मेरा दूसरा विषय है कि 20 अप्रैल को हमने जिस प्रकार से देश भर में एक योजना बनाई गई थी कि जो औद्योगिक संस्थान हैं, व्यावसायिक संस्थान हैं, उन संस्थानों को धीरे धीरे फेज्ड मैनर में खोलने की बात ये आई थी, क्योंकि यदि हम लंबे समय तक लॉकडाउन को सहना पड़ता है तो उसमें हमारी आर्थिक स्थिति सब परिवारों की, संस्थानों की, व्यापार की, ये सब कमजोर होती है। तो हम कोरोना का ध्यान रखते हुए, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए, जितने हेल्थ डिपार्टमेंट की ओर से दी गई जितने भी सूचनाएं हैं उनका ध्यान रखते हुए हम धीरे धीरे अपने इस व्यवसाय को भी आगे बढ़ाएं। उस नाते से 20 अप्रैल से हमने इनको खोलने के लिए स्टैगर्ड वे में ये सब शुरू किया है। पूर्व में जो आवश्यक सेवाओं को देने वाले, ऐसे सर्विसेज सेवाएं देने वाले, आवश्यक वस्तुओं का यानी उत्पादन करने वाले, उनको मार्केट में देने वाले लगभग 1800 इकाइयों को परमिशन दे रखी थी। अब 20 अप्रैल से जिन लोगों ने परमिशन मांगी है उनमें से आज तक 106 इकाइयों को और परमिशन दी गई है, जिसके अंदर लगभग 18,000 नए कर्मचारी जो पहले खाली बैठे थे उनको काम करने का ये अवसर मिलेगा।
और ये संख्या धीरे धीरे जो उनको सूचनाएं दी गई हैं उन सूचनाओं को पूरा करने के बाद और भी कईयों को ये परमिशन दी जा सकती है। मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि कोई उद्योग परमिशन लेकर के अपना काम शुरू करता है और वहां के किसी कर्मचारी को कोरोना का संक्रमण हो जाता है तो उस उद्योग को चलाने वाले व्यक्ति के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं की जाएगी, कोई FIR नहीं की जाएगी, क्योंकि एक अफवाह फैलाई गई कि ऐसे कर्मचारियों के खिलाफ अगर कोई संक्रमण होता है तो उनके खिलाफ FIR की जाएगी। ये कभी भी ऐसा नहीं किया जाएगा, उनको सुचारू ढंग से काम करने के लिए और आगे बढ़ाया जाएगा। इसी प्रकार कुछ अपील और करना चाहूंगा कि आने वाले समय में 24 अप्रैल से रमजान का महीना शुरू हो रहा है और इस रमजान के त्योहार में सभी मुस्लिम बंधुओं से आह्वान है कि इस पवित्र त्योहार को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए मनाएं, अपने घर में ही रहें और घर से ही अपना व्रत आदि का जो उनका कार्यक्रम रहता है उसको पूरा करें और घर में ही रह करके नमाज पढ़ने के लिए भी उनको मैं निवेदन करता हूं। याद करें हमने आह्वान किया था 3S फार्मूला, यानी स्टे एट होम, सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइज योर सेल्फ। ये मंत्र दिया था सब लोगों के लिए, इसका लगातार पालन करते रहना है। जैसे अभी हम लॉकडाउन स्थिति में हैं, 3 मई तक हमारा लॉकडाउन का ये कार्यकाल है, इसमें इन सब बातों का ध्यान रखना है। भले ही हमें कुछ ढील मिलती है तो उस ढील में भी सब इनका पालन करते हुए जो परमिशन है, पास लेकर के हम बाहर निकलते हैं, व्यवसाय में जाते हैं, कहीं भी है, तो इनका पालन करना चाहिए। और विद्यार्थियों को भी मैंने इसी प्रकार से एक 3S मंत्र दिया था, स्टे एट होम, स्कूल एट होम, स्टडी एट होम। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों से निवेदन है कि इसका वो पालन करें। जैसा कोरोना के समय में एक बहुत बड़े संकट के कारण से प्रदेश में भी हमने सभी लोगों का आह्वान किया था कि जो गरीब लोग हैं उनकी सहायतार्थ बहुत सी स्कीमें चलाई जा रही हैं, बहुत से नए खर्च भी हो रहे हैं, उसके लिए प्रदेश के सब लोगों को, छोटा हो या बड़ा हो, सबको आह्वान किया था कि कोरोना रिलीफ फंड हमने बनाया है, उस कोरोना रिलीफ फंड में सब लोग सहयोग करें। ये अपील भी मैं बार बार करता हूं, फिर आपसे कर रहा हूं कि इसमें अधिक से अधिक सहयोग करें ताकि गरीब बंधु उनको कम से कम 2 समय का भोजन ये देने की हम गारंटी कर सके। और सरकार में भी जो लोग काम कर रहे हैं उनकी सारी चिंता जितनी पहले की जाती है उसके बराबर करते रहेंगे, किसी किस्म की कोई कठिनाई नहीं आने देंगे, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। इसी प्रकार कोरोना से बचने के लिए एक ऐप जो बताई गई है, जो हमारा इंडिकेटर होगा, क्योंकि कोरोना पीड़ित व्यक्ति हमारे नजदीक तो नहीं आ गया है या हमको अपने को भी कोई संक्रमण की अगर संभावना बनती है तो उसकी भी पूर्व जानकारी वो ऐप के माध्यम से हम ले सकते हैं, आरोग्य सेतु ऐप। आरोग्य सेतु ऐप को भी हर व्यक्ति जिसके पास मोबाइल है, स्मार्टफोन है, वो सब लोग इसको डाउनलोड करें और डाउनलोड करने के बाद समय समय पर इसकी जो सूचनाएं मिलती हैं उन सूचनाओं का वो पालन करें। मैं सभी बंधुओं को, खास करके राजनीतिक और सामाजिक तौर पर जो लोग हैं, उनको भी अपील करता हूं कि इस समय में हम कहीं भी घर से बाहर ना निकलें और किसी मंडी में भी जाने के लिए जो हमारा दौरा चलता है वो किसी भी पार्टी के लोग हों, कोई भी सामाजिक लोग हों, ऐसे स्थानों पर जिनको बुलाया गया है, किसान है, मजदूर है, अथवा प्रोक्योरमेंट करने वाला स्टाफ है, आड़ती है, केवल वही लोग वहां जाएं। इसके अतिरिक्त अन्य व्यक्तियों को जाने से हम उस सोशल डिस्टेंसिंग का जो हमारा मंत्र है वो टूटता है और कहीं ऐसा ना हो कि संक्रमण की चपेट में हमारी छोटी गलती के कारण से किसी व्यक्ति को नुकसान हो जाए। आइए हम सब लोग, चाहे हमारे किसान बंधु हैं, चाहे अन्य नागरिक हैं, सब लोग अपने कर्तव्य की पालना करते हुए आगे बढ़ें और सब सावधानी पूर्वक इस कोरोना की बीमारी को, इसको मुकाबला करने के लिए संकल्प लें। जैसा हर बार मैं कहता हूं कि कोरोना हरियाणा से हारेगा, भारत से भागेगा। जय हिंद, जय हरियाणा। तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल बता रहे थे कि किस तरह से कोरोना के खिलाफ लड़ाई में हरियाणा ने रणनीतियां बनाई हैं और उन्होंने किसानों और आढ़तियों के बारे में भी बातें कही कि कहीं परेशानी ना हो, इसलिए ये सरकार सुनिश्चित कर रही है। और कहीं कुछ थोड़ी बहुत परेशानी आ भी रही है तो सरकार अपने स्तर पर भरपूर कोशिश कर रही है कि इन परेशानियों को दूर किया जा सके।